अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पूरे देश में फैल चुके कोरोना वायरस को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बेचने वाली दुकानें, बार, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप पर पाबंदी लगाई है। इस आदेश को देखते हुए पनवेल शहर पुलिस की हद में न्यू पंजाब बार, शिव शंभु पनवेल नाका, महाराष्ट्र बार, तपाल नाका पनवेल, तक्का गांव, कोलसे गांव, इत्ता इन बार और कुल 6 केस दर्ज किए हैं और 23 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके पास से 1,55,000 से ज्यादा की विदेशी और देसी गांवठी दारू बरामद की है और 3 गाड़ियां जब्त की है। इसी तरह पनवेल शहर पुलिस स्टेशन के PSI विश्वास राव बाबर को गुप्त सूचना मिली कि पनवेल से पेन की तरफ जाने वाली रेल पटरी से लगकर उसरली गांव पनवेल में छापा मारा, जहां हाथ भट्टी से दारू बनाते हुए 3 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 28,000 के दारू बनाने वाले 810 लीटर केमिकल, प्लास्टिक, ड्रम, पतरे के डिब्बे, 2 स्टोल लकड़ी और गांवठी दारू जब्त की है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों के नाम भरत गोपीनाथ महात्रे 40 साल, भगवान काशीनाथ जमारदार 42 साल और डांसर छोटू राठौड़, सभी पेड़ गांव पनवेल में रहने वाले हैं। इन पर IPC की धारा 188, 269, 270, 271, 290, रोग अधिनियम 1897 की धारा 234 के साथ, COVID-19 2020 के अधिनियम की धारा 11 के साथ, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 1949 की धारा 65 BCDF के तहत केस दर्ज किया गया। तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।